हेलो गुड मॉर्निंग. तो हम निकल चुके हैं अभी सुकुबा से मियागी की तरफ और रास्ते में देखिए आप कितने सुंदर सुंदर से दृश्य आ रहे हैं. एकदम बादल कोहरा सब एकदम नीचे आ रहा आया हुआ है. देखिए आप मतलब आगे जाके तो एकदम ठंड आगे कुछ दिख भी नहीं रहा था कि क्या हो रहा है. और देखिए आप ग्रीनरी देखिए सब जगह चारों तरफ रास्ते पर पूरा. और एक जगह पर कि हमने सब शॉर्ट आउट लिए थे बहुत ही ज़बरदस्त. बहुत शांति थी इधर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था. कोई यही नहीं देख रहे हो आप रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं. आराम से हम लोगों ने सब यहाँ पर काम किया. ये देखो कुछ दिख नहीं रहा था आगे लिटरली एकदम क्या बोलते हैं ब्लैक होल जैसा था ना. दिख ही नहीं रहा था एकदम. फिर आगे जाके थोड़ा सा अभी शांत हुआ था मौसम वरना ये तो बारिश आ गई तभी शांत हुआ वरना तो कहाँ शांत होता. तो ये देखिए हम पहुँचे थे हम बांधे अजुमा स्काईलाइन माउंटेन्स की रेंज में. बहुत ही सुंदर दिख रहा था ये और बादल थे उस दिन तो बहुत ज़बरदस्त नज़ारे थे यहाँ पर. और यहाँ पर एक शायद वॉल्केनो जैसा भी था कुछ. अभी आगे आएगा धुआं दिख रहा हो धुआं निकलेगा एक जगह से कुछ यहाँ पर रोड बन रही थी पता नहीं. अभी अब नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो देखेंगे क्या करके. और आई थिंक सल्फर बज रहा था बहुत स्मेल आ रही थी सल्फर की. तो हाँ ये देखिए ये धुआं जो आ रहा है ना ये पार्किंग में आए थे. तो ये देखिए पार्किंग से एकदम नज़ारे बहुत सुंदर एकदम ज़बरदस्त. भीड़ कम थी उस समय पर यहाँ पर इतने लोग नहीं थे बट बहुत शांति थी. आराम से लोगों ने सब यहाँ पर बैठे फोटो खींचे थे. उसके बाद हम लोग फॉक्स प्लेस गए थे. भाई साहब फॉक्स ये देख रहे हो आप कैसे लड़ रहे थे. ये रास्ते में ऐसे घूम रहे थे बिल्कुल कोई था ही नहीं उधर कोई इनका पर्सन किसी को काट कूट दे तो पता भी ना चलेगा. तो लेकिन डर लग रही थी बहुत. लोमड़ी को देख के देख रहे ये देखो कैसे लड़ रहे थे ना ये लोग खतरनाक. अभी देखना आगे भी आएंगे वो इनसे छोटे छोटे गर्म ना करके. ये देखो यहाँ पर ये पलटन जो थी ना बहुत उधम मचा रखा था इन लोगों ने. वो देखो सबसे दुष्ट लोग जो थे ना वो यहीं पर थे. ये आजू बाजू वाले मजे ले रहे हैं और बस अभी देखना एक उधम निकलेगा यहाँ से. ये देखो लेकिन अच्छा है कि ये लोग कुछ काटते वाटते नहीं है बट डर तो रखती है ना यार जानवर है क्या पता कब क्या करते हैं कि नहीं. और ये अपनी टोली सब डर रहे थे एकदम. जीकू डर के हायर बोल रहे. और उसके बाद हम अपने होटल में पहुंच गए थे. तो ये अगले दिन का दृश्य एकदम मॉर्निंग का. और यहाँ पे क्या हुआ था एक बार ड्रोन तो नहीं कहाँ निकल गया था वो. तो अच्छा है कि वापस आ गया वरना उस दिन तो गया था. ये फुटेज भी गई थी मिलती ही नहीं बट बहुत सुंदर. ये वाले सीन को था उसके बाद हम मात्सुशिमा बे में गए थे
जहाँ हम लोगों ने क्रूज था उसके में हमने करीब एक घंटे का पूरा टूर था जो अपने पूरा जितना भी था उसके आजू बाजू का पूरा देख के सब हमें दिखाया था उसने। तो आप भी देखिए कुछ झलकियाँ। टापू देख रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर ना लोग बैठे हुए थे, मच्छी मार रहे थे, फिशिंग कर रहे थे लोग। उसके बाद हम एक अकियो ग्रेट फॉल्स वाटरफॉल जो था वहाँ गए थे। सैम आई थिंक नाइट हो गया था उस टाइम पे, बट वहाँ पर कोई नहीं था, एकदम हम ही लोग थे बस। तो वो अच्छा था कि हम लोग जो करना चाहते थे वो कर सकते थे, और हमने किया, और हमने वो किया है। अभी आगे आएगा फॉल, ये देखिए बहुत सुंदर। आई थिंक ना ये ऑटम के टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर। जो मियागी में हम गए थे भी कैसा है कि पूरा ग्रीनरी था एकदम, बहुत ही सुंदर। लेकिन ऑटम के टाइम पे ये और भी सुंदर होगी क्योंकि रंग बिरंगे पत्ते सब निकलेंगे एकदम, तो उनसे तो और सुंदरता बढ़ेगी, है कि नहीं, समझ रहे ना? हाँ बस समझ गए। तो ये था एक वाटरफॉल हमारे एक ट्रिप का। और इसके बाद हम जो लोग गए थे वो एक बीच था जो हमारे होटल के बहुत ही नज़दीक में था, तो हम उधर गए थे। यहाँ पर भी मतलब उतनी भीड़ नहीं थी, कम लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पर। और यहाँ पर दोबारा जाएंगे वहाँ पर अब। और इसके बाद हम लोग खाना खाने गए थे, फिर उसके बाद हम लोग सुकुबा के लिए वापस आ गए थे। तो अप्रोक्स हम लोग कितने बजे पहुँचे थे, 7:15 बजे नाइट में पहुँच गए थे सुकुबा में। तो तब तक आप ये रास्तों का दृश्य का मनोरंजन कीजिए, देखिए, लुत्फ़ उठाइए। ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Find the remedy, or would you stay with me now till the morning?